देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमें फ़ोन पर सूचना मिली तो हम तुरंत यहाँ पर पहुँचे और इस सांप को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने भोजन को पचा लिया है। देखिए इसने एक बहुत बड़े मेंढक को निगल लिया था, और सांपों का ऐसा होता है कि अगर उसने किसी भोजन को निगल लिया और उसे दूसरों से खतरा महसूस हुआ तो उसे तुरंत उल्टी करके बाहर उगल देता है। एक नॉन एनिमल सांप है जिसे मराठी में गौत्या कहते हैं, हिंदी में हरा नाग और इंग्लिश में ग्रीन किलबैक स्नेक या ग्रास स्नेक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम होता है माइक्रोपिस्टोरॉन फ्लैम्बिकुलर। इसमें किसी भी तरह का विनम नहीं पाया जाता है और ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप होता है। अगर इसे बहुत ज़्यादा परेशान किया तो ये अपने गर्दन को चपटा करके कोबरा के फन जैसा ऊपर उठाता है, जिससे ये कोबरा के जैसा दिखता है। तो इसी वजह से इसे कुछ इलाकों में हरा नाग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये नॉन एनिमल सांप है, लेकिन इसने अगर किसी जगह पर बाइट किया तो काटी गई जगह पर भारी मात्रा में जलन होने लगती है। दोस्तों ये एक नॉन एनिमल सांप की खासियत होती है। इस सांप को आप क्लियरली देख सकते हैं, इसका पूरा कलर ग्रीन होता है। दोस्तों इसके गर्दन से लेके पूंछ तक पूरा इसका कलर ग्रीन होता है, और इस पे लाइंस में सफ़ेद सफ़ेद डॉट्स दिखते हैं। लेकिन जब ये छोटा बच्चा होता है तब इसके सिर पर इंग्लिश के भी जैसी खून होती है, ब्लैक कलर की। जब इसकी साइज़ बढ़ने लगती है, यानी जब ये प्रौढ़ होता है, वैसे वैसे वो निशान मिटने लगता है और ये इसका पूरा कलर ग्रीन होता है। सेम इसके जैसा ही दिखने वाला एक दूसरा सांप होता है जिसे बाम्बू पिट वाइपर के नाम से जाना जाता है, और वो दुनिया का फेमस सांपों में से एक सांप है। इस सांप को और उस सांप को अगर पहचानना हो तो सिर्फ उनकी दोनों की एक ही पहचान होती है। इसका मुंह आप देख सकते हैं और इसकी आंखें देख सकती है। इसके आंखों की पुटलियाँ गोल गोल दिखाई देती है, लेकिन इसके विपरीत जो बाम्बू पिट वाइपर होता है उसकी आँखों की पुटलियाँ खड़ी होती है, और इसका जो पेट का कलर है ये पूरा सफ़ेद दिखाई देता है। इसके विपरीत बाम्बू पिट वाइपर के पेट का कलर पीले कलर का होता है। दोस्तों बस यही दो बातें हैं इन सांपों को पहचानने की। अगर आपको कहीं पर ऐसा सांप दिखाई देता है तो प्लीज़ उसे मारे नहीं, अपने नज़दीकी सर्प मित्रों को कॉल करके बुलाए ताकि सांप की जान बच जाए और सांप के कारण आपको भी कोई खतरा महसूस न हो। तो अभी इस सांप को हम इसके प्राकृतिक निवास में रिलीज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने जिस ग्रीन किलबैक स्नेक का रेस्क्यू किया था, अभी इसे हम इसके प्राकृतिक निवास में रिलीज़ करने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस सांप को यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा, और इसे रहने के लिए अच्छी सी जगह भी मिलेगी। यहाँ पर इसे दूर दूर तक कोई मारने वाला नहीं है, यानी इसकी पूरी ज़िंदगी तक यहाँ पर बिल्कुल सेफ रह सकता है। तो चलिए अभी इसको यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं।